सनिर्माण कर्मकार मंडल छत्तीसगढ़ शासन की योजना के तहत आज मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी की 101 महिलाओं को ई रिक्शा प्रदान किया। अग्रवाल ने स्वयं ई रिक्शा लेकर रायपुर शहर का भ्रमण किया। उनके पीछे ई रिक्शा प्राप्त करने वाली बहनें भी अपने रिक्शा के साथ चली आ रही थी। ई रिक्शा में वे शंकर नगर आवास से भगत सिंह चौक होते हुए तेलीबांधा पहुंचे और वहां से मरीन ड्राइव होते हुए वापस शंकर नगर लौटे। ई रिक्शा वितरण का कार्यक्रम अग्रवाल के आवास पर रखा गया था। यहां पर महिलाओं को उनके रिक्शा की चाबी सौंपते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम केवल ई रिक्शा ही नहीं दे रहे हैं, हम एक परिवार को रोजगार दे रहे हैं। देखिए, दक्षिण विधानसभा में लगभग 150 लोगों को ई रिक्शा सेंक्शन हुआ है और ये सब ई रिक्शा महिलाओं को सेंक्शन हुआ है। इस ई रिक्शा में 1,00,000 रुपए की सब्सिडी है, 50,000 रुपए हितग्राही को स्वयं को देना है, तो पहले 10,000 रुपए देना है, बाद में 40,000 रुपए देना है। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हम पर्यावरण को भी सुधार पाएंगे, हम पर्यटन को भी बढ़ावा दे पाएंगे और रायपुर शहर के वातावरण को भी हम ठीक कर पाएंगे और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवा पाएंगे। तो दक्षिण विधानसभा में 150 लोगों महिलाओं को ई रिक्शा मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है और उसमें से 101 लोगों को आज हम प्रदान कर रहे हैं। सर, कांग्रेस ने कहा है कि रमन खेमे के निशाने पर है, कृषि मंत्री विधि भवन क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा सबके निशाने पर रहता हूँ, परंतु निशाने पर रहना अच्छी बात है। जो काम करता है वही निशाने पर रहता है, जो कुछ नहीं करता वो कभी निशाने पर नहीं रहता। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।